नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, बीती रात आए 68 नए कोरोना पॉजिटिव। कपास को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए सर्वे के बाद कृषि विभाग ने कसी कमर। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, प्रिंसिपल समेत 7 अध्यापक अध्यापिकाएं पॉजिटिव, भय के माहौल में बना रहे हैं फैमिली आईडी। नहरी पानी की समस्या लेकर एससी कार्यालय में किनारेबाजी, पानी न मिलने की सूरत में दी रोड जाम करने की चेतावनी। सीवरेज की समस्या को लेकर वाल्मीकि मोहल्ला के क्षेत्रवासियों ने किनारेबाजी, जताया जिला प्रशासन के खिलाफ रोष। आवास योजना के तहत पैसे न मिलने के कारण लाभार्थी पहुंचे जिला उपायुक्त कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के मामले भिवानी में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बुधवार को जहां 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, तो वहीं पहली रात 68 नए केसेस आने से कुल हुए 1513 केसेस में से 1173 ठीक हो चुके हैं और ज़िले में अब एक्टिव केसेस 328 हो गए हैं। वहीं बुधवार दोपहर तक 900 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। भिवानी जिले में बीती रात 68 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 3 विद्यानगर, 9 सरकारी लड़कियों के स्कूल से, 1 गांव कलिंगा से, 1 गांव भागेश्वरी से, 1 गांव मंडाणा, 1 शिव कॉलोनी, 1 गांव बापोड़ा से, 3 हालू बाजार से, 1 पुराना बस स्टैंड से, 4 सेक्टर 13, 1 विकास नगर, 10 पतराम गेट, 8 सेक्टर 13, 1 गांव पाड़वान, 1 बावड़ी गेट, 1 हलवास गेट से, 1 स्वामी कृपाराम की गली से, 2 तो शाम थाना से, 1 एसपी कार्यालय भिवानी से हैं, जबकि 1 बड़ाला से, 1 बैंक कॉलोनी, 1 गांव तिगड़ाना से, 9 कृष्णा कॉलोनी से, 1 खानक से, 2 गांव गारनपुरा कला के साथ तथा 2 तो शाम से हैं। अब तक जिले में कुल 1513 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 1173 ठीक हो चुके हैं। अब इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 328 हो चली है। खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 900 सैंपल लिए जा चुके थे। जिले में बुधवार को 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। कपास को सफेद मक्खी से बचाने के लिए भिवानी में कृषि विज्ञान केंद्र में 4 जिलों के कृषि वैज्ञानिकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। चंडीगढ़ से आए एडिशनल डायरेक्टर सुरेश गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भिवानी, दादरी, जींद व हिसार जिले के वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बाद किसानों को सफेद मक्खी से बचाव के बारे में बताएंगे। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में 4 जिलों के कृषि वैज्ञानिकों ने एक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के एग्रीकल्चर ऑफिसर ने हिस्सा लिया। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद अब ये कृषि अधिकारी खेतों में जाकर किसानों को सफेद मक्खी से बचाव के बारे में जानकारी देंगे। कृषि विभाग के चंडीगढ़ से एडिशनल डायरेक्टर सुरेश गहलोत ने कृषि अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 4 जिलों यानी कि भिवानी, दादरी, जींद और हिसार के किसानों को सफेद मक्खी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वे में पाया गया है कि अभी सफेद मक्खी के सिर्फ प्रत्येक पत्ते पर 7 से 8 इंसेक्ट ही हैं, जो कि फसल के खराब की लिमिट के बाहर है। ऐसे में किसानों को चाहिए विभिन्न प्रकार की जैविक खादों का अत्यधिक मात्रा में फसलों पर छिड़काव ना करें। उन्होंने बताया कि सफेद मक्खी जुलाई से सितंबर महीने में अधिकतम नुकसान करती है, जिससे कपास की पत्तियों का रंग काला हो जाता है और वैज्ञानिक विधि से सफेद मक्खी के प्रकोप से उपाय संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी गांव में जाकर किसानों को सफेद मक्खी से उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और किसान महज दवा विक्रेता की बात मानकर दवाई का छिड़काव ना करे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि करीब 7,30,000 हेक्टेयर में हरियाणा में कपास की बिजाई है
और हमारे भिवानी और दादरी में करीब 90,000 हेक्टेयर में बिजाई है। तो हमारे फील्ड सर्वे से पता लगा था, हमारे को जानकारी आई थी कि यहाँ पे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा है और जिससे किसानों को संभवतः नुकसान होने के चांसेस हैं। तो किसानों को उस नुकसान को बचाने के लिए हमने एक ये हाई लेवल की साइंटिफिक मीट टाइप एक अपने एक्सटेंशन वर्कर जो हमारे ADO हैं, बाकी जो फील्ड में जाते हैं उनकी एक ट्रेनिंग करवाई है। 3-4 साइंटिस्ट HIV से आए हैं, मैं भी एडिशनल डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट में, मैं भी चंडीगढ़ से आया हूँ, ताकि हम उनके अपने जो भी हमारे लोग हैं फील्ड में जो जाते हैं उनकी नॉलेज को अपडेट कर सकें और वो किसानों को सही तरीका इस सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए किसानों को बता सकें और वो अपनी फसल बचा के और एक जो उनकी उपयुक्त जो पैदावार आनी चाहिए वो ले सकें, उनको नुकसान ना हो। देसी सिस्टम से किसानों को कैसे समझा सकें, देसी कोई ऐसी विधि हो जिससे इस प्रकोप से बचा जा सके? देखिए, वैसे तो ये 2015 में वाइट फ्लाई आई थी, पिछले 4 साल वाइट फ्लाई का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है। इस बार फिर वातावरण के हिसाब से आती है, पहले बारिश आ गई फिर ड्राई स्पेल आ गया लंबे समय तक का, इसलिए वाइट फ्लाई आ गई है। देसी तरीका ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ दवाइयां हैं, जैसे नीम बेस है, नीम पे आधारित एक दवाई है, वो कुछ काफ़ी कारगर है, उसको स्प्रे करें। उसके साथ साथ कुछ केमिकल भी है, 3-4 तरह के केमिकल जो अभी बताए गए हैं केमिकल दवाइयाँ, वो अलग अलग करके स्प्रे करें, इकट्ठा ना करें और एक के बाद एक करें। जैसे नीम बेस दवाई का ज़्यादा उपयोग करें किसान, उससे उनको ज़्यादा फायदा होगा और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका आर्थिक जो देखते हैं, हम सर्वे करते हैं कि नुकसान किस स्टेज पर पहुँचता है, जब एक पत्ते के नीचे 7-6 या 6-8 ये जानवर मिलते हैं पत्तियों पर, तो वो ETL लेवल है, उससे ज़्यादा बढ़ती है तो नुकसान होता है। ETL क्रॉस करने के बाद भी संभवतः कंट्रोल हो जाती है, पानी से भी कंट्रोल हो जाती है, बारिश से भी कंट्रोल हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ETL से ऊपर चला गया तो नुकसान ही होगा। इसमें ज़्यादा किसान को ये समझने की ज़रूरत है कि वो पैनिक क्रिएट ना करे और पैनिक में आके वो अलग अलग तरह की दवाई लेके और मिक्सचर करके ना छिड़के, उससे ये समस्या का निदान नहीं होगा और उससे और गंभीर हो जाएगी। गाइडलाइन के तहत ही मैं यहाँ पे आया हूँ और हमने ये एक एडवाइजरी आज लोगों तक पहुँचाई है और आगे किसान तक पहुँचाएंगे। 24 से 48 घंटे के बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसमें स्प्रे करता है कोबाल्ट क्लोराइड का, तो उस टाइम जो उसकी फसल को बचने की जो स्थिति है या रिकवरी रेट है वो बहुत कम होगा। किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन है कि जैसे ही आपके पौधे मुरझाए हुए मिलते हैं तुरंत कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे करें तो आपकी फसल बच जाएगी। तो उन सर्वे में जो वाइट फ्लाई का जो आर्थिक कगार है वो करीब करीब 60-70% खेतों में ज़्यादा मिला है, बट उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हमारे किसानों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कपास की फसल में जो अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग है उससे बचना है। अगर उससे आप बच जाते हो तो आप वाइट फ्लाई पे बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हो। भिवानी में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों का कहना है कि इन दिनों परिवार पहचान पत्र का कार्य चल रहा है। हालांकि COVID-19 के नियमों का पालन भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में कोरोना के केसेस बढ़ने का खतरा हर समय बना रहता है। भिवानी के राज्य के स्कूलों में कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। अब अध्यापक भी कोरोना पॉजिटिव बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन अपने तरीके से पूरी एहतियात बरत रहा है और उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग भी की है कि विद्यालय को सैनिटाइज कराया जाए और अन्य सुविधाएं दी जाए। अध्यापक खुद अगर कोरोना से ग्रसित होंगे तो वे पहचान पत्र बनवाने आए अभिभावक को भी बीमार कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कोरोना का संक्रमण एक दूसरे से ही फैलता है। भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में फैमिली ID बना रहे अध्यापक अध्यापिकाओं समेत 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में जान जोखिम में डालकर पहचान पत्र बनाए और बनवाए जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड टेस्ट हुआ, तो सेकंड टेस्ट में हमारे विद्यालय से 7 अध्यापक अध्यापिकाएँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इसमें मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो फैमिली ID बनाई जाती है उसमें बाहर से भी काफ़ी अभिभावक आते हैं, बच्चे आते हैं, तो
पूल के कारण से भी ये हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स को उनके साथ बैठ करके जो फैमिली आई डी बनाते हैं उससे हमें खतरा लगातार बना रहता है। तो मेरा निवेदन सरकार से है कि वो इसकी अलग से व्यवस्था करें। वैसे हमने विद्यालय के लिए पूरी व्यवस्था की है, टेम्परेचर करते हैं और सैनिटाइज भी हम समय समय पर करते रहते हैं ताकि अपनी तरफ से सुरक्षा की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग भी हम करते हैं उसका भी पालन कर रहे हैं ताकि हम इस रोग से जो है इसे बचा जा सके। मेरा नाम विजय सिंह, प्रवक्ता अमेठी के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ और हमने जो है अपना जितना भी स्टाफ है हम ये कोशिश करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और इस कड़ी में हम प्रतिदिन हमने ग्लोव वगैरह यहाँ पर हमारे किचन गार्डन के अंदर लगाई हुई है, ग्लोव लेकर के और दालचीनी वगैरह लौंग वगैरह जो काढ़ा बना करके हम यहाँ टीचर्स को सुबह जोन प्रोवाइड करते हैं। भिवानी के नजदीकी गांव नौरंगाबाद के ग्रामीण एकत्रित होकर नहरी पानी की समस्या को लेकर विभाग कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी कर ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना था कि 3 सप्ताह से नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, यदि जल्द ही पानी नहीं छोड़ा जाता है तो वो सर्कुलर रोड को जाम करने पर मजबूर होंगे। बुधवार को गांव नौरंगाबाद के ग्रामीण इकट्ठा होकर नहरी विभाग कार्यालय पहुंचे और अधीक्षक अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने नहरी पानी न मिलने की सूरत में रोड जाम करने की धमकी भी दी। इस बारे में जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पालुवास माइनर में पिछले 3 हफ्तों से पानी नहीं छोड़ा गया है और ऊपर से बरसात भी नहीं हो रही। उनका कहना था कि इस समय किसानों की फसलों को पानी की अति आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वे कई बार जिला प्रशासन से लिखित में भी पालुवास माइनर में पानी छोड़ने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। पानी की कमी से जूझ रहे इन लोगों ने बताया कि अगर जल्द ही पालुवास माइनर में पानी नहीं छोड़ा गया तो वे मजबूरन रोड जाम कर सकते हैं। ये गांव नौरंगाबाद है जी। अब नहरी पानी के लेकर समस्या के लिए आए थे 2 हफ्ते पहले। हम एस सी साहब से मिले थे, एस सी साहब ने XNRSDO बुला के न और कही थे भाई पीछे तो पानी पूरा लियाओ, अगर नहीं छोड़ दे तो मैं चीफ से बात करता हूँ। तो इस दौरान जी 2 हफ्ते हो लिए हैं, मंगल बुध और बृहस्पत को पानी चलता है, शुक्र शनि आयत सोम को बिल्कुल पानी बंद हो जाता है और मंगलवार को फिर आ जाता है। कौन सा माइनर है सर? ये पालुवास माइनर है जी, भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी पर पड़ता है जी। और ना ही बारिश नहीं हो रही है और किसान मतलब भूखमरी के कगार पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। हाँ ये बेलदार हैं, ये जी पीछे जाते नहीं हैं, नहरी पानी पीछे चोरी हो रहा है और बार बार हम प्रशासन से अवगत करवा चुके हैं, SDO साहब से भी मिल लिए, एक्शन साहब से। तो मेरे पास ग्रामीण मंडल अध्यक्ष BJP मोर्चा की जिम्मेवारी भी है। हम लगातार ग्रामवासी नौरंगाबाद वासी 2013 से पानी के लिए बराबर प्रशासन को चेता रहे हैं। उस समय तो भले ही कांग्रेस का राज था तो हमारी सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन जब अब हमारा BJP का राज है, ऊपर से धनखड़ जी जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब तो हमें उम्मीद होगी कि हमारा पानी का जो है, क्योंकि वो सिंचाई के जो कृषि के हैं अध्यक्ष रह चुके कृषि मोर्चा के अधिकारी, बराबर लापरवाही कर रहे हैं, पानी की चोरी हो रही है। पीछे डाणी में वहाँ पे बाई के अंदर कट्टे लगा दिए जाते हैं और पानी पीछे रोक लिया जाता है। बेलदार जो है 4 महीने से लगातार वहीं पे पानी चल रहा है, हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। हम प्रशासन से बराबर मांग करते रहेंगे, अपने MLA श्री घनश्यामदास सराब जी और कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी से, कृषि विभाग से विभाग को चेताने के लिए मांग कर। हमारे गाँव के अंदर 2013 से लगातार नौरंगाबाद गाँव के अंदर लगातार जब भी हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, नहर के अंदर जाते हैं तो हमारे खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कर देते हैं। कम से कम 1 हफ्ते की मैं इस विषय पर जेल भी काट चुका हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप हमारे गांव के खेतों का अगर जा करके देखें, बिल्कुल बंद जो उपजाऊ भूमि है बिल्कुल बंजर हो चुकी है पानी की कमी की वजह से। बार बार आवाज़ उठा रहे हैं तो केंद्र नहीं आ रहा था, हम रोड जाम करेंगे और प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करेंगे, हमारे खेतों के अंदर पानी आए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। स्थानीय पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में लोग अपने मोहल्ले में सीवरेज की समस्या को लेकर खासे परेशान नजर आए। उनका कहना था कि एक तो उन्हें कोरोना महामारी का डर सताता रहता है और ऊपर से सीवरेज ब्लॉक होने के कारण बदबूदार पानी और बीमारियां फैलने का डर। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी समस्या के समाधान की गुहार प्रशासन से लगाई है।
एक तो कोरोना महामारी का डर, ऊपर से सीवरेज समस्या से सताए लोग, आखिर जाएं तो जाए कहां, ये कहना था पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित वाल्मीकि मोहल्ला क्षेत्रवासियों का। क्षेत्रवासियों ने आज ब्लॉक सीवरेज की समस्या को लेकर नारेबाजी की और अपना रोष जताया। उन्होंने बताया, एक तो कोरोना के कारण सरकार घर में रहने की बात कर रही है और घर में रहे तो बंद पड़े सीवर से आने वाली बदबू ने जीना मुश्किल किया हुआ है। इतना ही नहीं, सीवरेज ओवरफ्लो होने की वजह से गंदा पानी कॉलोनी के घरों में घुसने लगा है और ऊपर से इस महामारी में बीमारी होने का खतरा अलग बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। भैया ये सीवर भरे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा फैल रही है हमारे, और इस गंदगी के कारण बीमारी भी फैल रही है, बहुत घने दुखी हो रहे हैं। और ना सीवर साफ कर दे, पांच सीवर भरे पड़े हैं जमा। हमारे यहाँ सफाई होनी चाहिए, रेको प्लाट है उसकी भी होनी चाहिए, आन देखो सफाई आड़े भाई, हमारे मोहल्ले का सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बार, एक बार नहीं कई बार जा लिया हम तो, अपने भी दिया है। मेरा नाम श्यामलाल वाल्मीकि है जी, और हम काफी दिनों से जो है ना परेशान हो रहे हैं, 15-20 दिन हो गए हमने कॉल करते करते, कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। और ये सारी जो है गली आज तक नहीं बनी है, और ये सीवर 15 दिन से रुका पड़ा है, और हम प्रयास कर करके थक लिए हैं, और जो है ना जी पूरी गंदगी फैली पड़ी है जी। और ये देखो आज क्या माहौल हो रहा है देश का, और उस विषय में कोई नहीं सुनाई कर रहा है जी हमारी। सुबह भी हमने MC साहब को भी फोन करा, फोन नहीं उठा रहे हैं कोई भी, और हमने इनको भी पब्लिक हेल्थ वालों को भी फोन करा, उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी जो है ना दादरी गई हुई है, जब आएगी जब करेंगे, और अब फटियों से नहीं खुलता, और कोई नहीं आया जी। यहाँ हो गए जी इन बातों ने, कितने जी ये 15 दिन से जो है रुका पड़ा है जी, छोटे छोटे बच्चे इनमें पानियों में आंड रहे, सभी को आनियों जानियों को दिक्कत है जी। हम ये मांग करते हैं जी हमारी गंदगी साफ हो, और ये जी गली, और ये देखो जी सारा कूड़ा खिंडा पड़ा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा जी, कोई भी प्रशासन कोई आगे। हम फिर आंदोलन करेंगे, हम अपने और कहीं जाएंगे, DG साहब के भी जाएंगे, सबके जाएंगे जी हम। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत दी गई सहायतार्थ राशि पूरी तरह से न मिलने पर स्थानीय दादरी गेट और बावड़ी गेट क्षेत्र की महिलाएं जिला उपायुक्त से मिलने पहुंची। उनका कहना था कि उन्होंने मकान तोड़ दिए हैं और पहली किस्त मिलने के बाद अब उन्हें दूसरी किस्त भी नहीं मिल रही है। उन्होंने भी अपने समस्या के समाधान की गुहार प्रशासन से लगाई है। बुधवार को बावड़ी गेट और दादरी गेट की महिलाएं जिला उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय पहुंची और कार्रवाई की गुहार लगाते हुए अपना मांग पत्र भी जिला उपायुक्त को सौंपा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सरकार ने पैसे मंजूर किए थे, और उन्हीं पैसों की बदौलत उन्होंने अपने मकान बनाने के लिए पुरानी झोपड़ी और कच्चे मकान तोड़ लिए, लेकिन मकान की एक किस्त मिलने के बाद आगे की कोई भी किस्त उन्हें नहीं मिल रही। उन्होंने सभी अधिकारियों से कई बार लिखित में शिकायत भी दी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने आज जिला उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा ताकि उनकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाए। ये मकान लो, चार चार दिन में 5-5 दिन में मकान थोड़े हो गए, इन्हें फोटो भी जमा हो गए, कुछ लोग फोटो खींचने के लिए नहीं जाते, उनके नियम सारा काम तैयार हो रहा है, और बेचारे गरीब आदमी बेघर कर दिए, सरकार ने पैसा डाला क्या, फिर भी गौर नहीं कर रहे कोई चीज़ की। ये निचले कर्मचारी बिल्कुल चक्कर कटवा रहे हैं, किसी की सुनाई नहीं कर रहे, इनको ये कह रहे हैं आज आएंगे तड़काएंगे परसों आएंगे, आज चेक डाल दिया फिर जाते हैं, जी आपका परसों मिल जाएगा, मैंने इनको जज्जाबाजी दे रहे हैं। और मकान पूरा रखी है, एक एक साल हो गया मकान पूरी, और सब 5-5 महीने हो गए फोटो खींची, अब तक कोई किस्त नहीं आई, और 2 साल किराया भरन देने हो गया, कोई तरपाल गेरी बैठा है, कोई बीमार है, एक कैंसर हो रहा है आदमी का, तो छोटा गुजर गया तो किसका आदमी बैठेंगे, किसका क्या करेंगे। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, बीती रात आए 68 नए कोरोना पॉजिटिव। कपास को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए सर्वे के बाद कृषि विभाग ने कसी कमर। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, प्रिंसिपल समेत 7 अध्यापक अध्यापिकाएं पॉजिटिव, भय के माहौल में बना रहे हैं फैमिली ID।
नहरी पानी की समस्या लेकर एससी कार्यालय में किनारेबाजी, पानी न मिलने की सूरत में दी रोड जाम करने की चेतावनी। सीवरेज की समस्या को लेकर वाल्मीकि मोहल्ला के क्षेत्रवासियों ने किनारेबाजी, जताया जिला प्रशासन के खिलाफ रोष। आवास योजना के तहत पैसे न मिलने के कारण लाभार्थी पहुंचे जिला उपायुक्त कार्यालय। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।